Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikhar Roll. Welcome back to my YouTube channel. So, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की फ्रॉम क्लास 12th चैप्टर नंबर 9. कल हमने अपना लेक्चर ओवर किया था विद कोऑर्डिनेशन नंबर एंड आपको मैंने वहाँ पे दो क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए. आई होप आपके आंसर आ गए होंगे. एक बार रीचेक कर लीजिए आंसर्स. आपको मैंने क्वेश्चन दिया था जहाँ पे EDTA के लिए बोला था वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर था आयरन का 6, कॉम्प्लेक्स था FE EDTA 2 नेगेटिव, और एक दिया था मैंने K2CuOH ट्वाइस, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर था Cu का 4, और अगर आप कॉम्प्लेक्स देखना चाहो तो कुछ इस तरह से था, क्योंकि जो OH है वो हमारे पास बाइडेंटेड लाइगेंड है, राइट. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था इसका आंसर, और यहाँ आयरन पे था इट इज 6, बिकॉज EDTA टेट्राहेड्रल लाइगेंड है, चार बॉन्ड ये बनाएगा और 2 नेगेटिव है, दैट मींस 2 बॉन्ड और बनाएगा आयरन, तो इट विल बी योर 6. अब हम नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक की बात करेंगे. द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक और इम्पॉर्टेंट टर्म required for a coordination compound after coordination number 4th one is coordination sphere. Write down coordination sphere is that part of complex compound which is written within the square bracket. It includes the central metal atom and ligands attached to it. ये थी फोर्थ. अब हम बात करेंगे फिफ्थ टर्म की, दैट इज आयोनाइजेशन स्फीयर. राइट डाउन दैट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच इज रिटन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट is known as a ionization sphere. It includes the counter ion. For example, we have K2CuOH twice. Here, this K2 is your counter ion, or known as a ionization sphere. और जो ये square bracket के अंदर है with ligand, ये सारा portion इसको underline कर रही हूँ अभी. This will be your coordination sphere, right? These are the two next terms. After this, the sixth term is coordination polyhedra. Write down the spatial arrangement of ligands around the central metal atom is called as coordination polyhedra. अब हम draw करेंगे polyhedra कैसे हम draw करते हैं. So check it out. Spatial मतलब three dimension कैसे उनकी existence है. For example, we have a central metal nickel and Co. Monodentate ligand है हमारे पास, तो वो क्या करेगा, चार बॉन्ड में आ रहा निकल. तो अगर इसको हम देखें थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, तो ये क्या है, बेसिकली एक टेट्राहेड्रल है, राइट. सो टेट्राहेड्रल, राइट. आफ्टर दिस वी हैव अ ट्रिग्नल बायपिरामिडल फोर फाइव, व्हेन वी हैव अ फाइव लाइगेंड्स इन केस ऑफ आयरन. ज्योमेट्री विल रिमेन सेम, जो आप लोगों ने प्लस वन क्लास में की थी. अगर आपको भूल चुकी है ज्योमेट्रीज तो ऊपर लिंक आ रहा होगा प्लस वन क्लास के लेक्चर का, वेस्पर थ्योरी, वहां से आप लोग ज्योमेट्रीज फिर से याद कर सकते हो. अगर पांच लाइगेंड है तो वो कौन सी ज्योमेट्री फॉलो करेंगे, वो आपको दो टेबल है याद करने हैं, काफी हेल्पफुल रहेंगे वो आपको ज्योमेट्रीज करने में, राइट. तो यहाँ पे है, हमने ड्रॉ किया NiCO4 और ये मैंने किया FeCO5. ये स्पेशल अरेंजमेंट जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज नोन एज अ
कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। इसी तरह से आप ऑक्टाहेड्रल भी ड्रॉ कर सकते हो। वी कैन हैव सिक्स लाइगेंड्स अराउंड द आयरन साइनाइड एटम्स और लाइगेंड्स, सो इट्स ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल, राइट। दिस इज द सिक्स इंपॉर्टेंट टर्म। आफ्टर दिस चेक इट आउट, कोई स्ट्रक्चर गलत मत बनाना, ध्यान से देख लो। लाइगेंड्स और सेंटर मेटल एंड निकल, आयरन और आयरन का ही किया है। दो तरह के लाइगेंड्स लिए, एक बार सीओ लिया दैट इज कार्बोनिल, और एक बार हम लोगों ने लिया है दैट इज योर साइनाइड ग्रुप, राइट। आफ्टर दिस आर नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स आयन, सेवेंथ टर्म रिक्वायर्ड फॉर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज कॉम्प्लेक्स आयन। राइट डाउन, इट इज दैट आयन विच इज रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, इट इंक्लूड्स, ओ सॉरी, यस वी आर डूइंग कॉम्प्लेक्स आयन। इट इज दैट आयन विच इज रिटन within the square bracket, it includes the central metal atom or central metal ion and ligands. Types of complex ion की बात करें तो हमारे पास तीन हैं, negative, positive and neutral. Negative की बात करें, इनको हम बोलते हैं negatively charged, positively charged, और यहां पे होता है न्यूट्रल चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं होता। सबसे पहले नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स देखेंगे, FeCN6 थ्री नेगेटिव, ये आ गया चार्ज थ्री नेगेटिव, इट इज अ नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन। पॉजिटिवली चार्ज की बात करें, H2O, यहां पे आ गया थ्री पॉजिटिव चार्ज, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन। और अगर न्यूट्रल की बात करें तो H2O3CN3, तो ये है न्यूट्रल, इसके ऊपर यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है। दिस इज द नेक्स्ट टर्म कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। आफ्टर दिस वी हैव नेक्स्ट एट टर्म ऑक्सीडेशन नंबर। ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन इज द चार्ज कैरिड बाय इट, जो भी उसके ऊपर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये चीज तो आपने पहले भी की हुई है, अगर क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -1 है, अगर आयरन के ऊपर +3 चार्ज आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो ये आपको आता है, राइट। देन द नाइन्थ टर्म इज चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज कौन सा है, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इज इक्वल टू द सम ऑफ चार्जेस कैरिड बाय द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है FeCN6 थ्री नेगेटिव। यहाँ पे आप लोग देखो चार्जेस कैसे आएंगे, आपको पता है यहाँ पे ओवरऑल चार्ज थ्री नेगेटिव है, दैट मीन्स इसके लिए 6 आएगा क्योंकि आपने कल टाइप ऑफ लाइगेंड पढ़ा था तो वहां पे था -1, तो ये हो गया -6, और इस पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज है -3, और यहाँ पे आपको आयरन का फाइंड करना है, तो आप लोग जब एक्स निकालोगे तो वो +3 आएगा। तो अगर आपको ये नहीं दिया हो और आपको ये पता है +3 तो भी आप फाइंड कर सकते हो। तो ये था सिंपल टर्म चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। आफ्टर दिस हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, देन हम लास्ट कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसकी नॉमेनक्लेचर की, उससे पहले आपको ये सारे टर्म्स अच्छे से आनी चाहिए, राइट। सो द लास्ट 10th टर्म इज योर, ये आपको डेली के डेली रिवाइज करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से ये चैप्टर कवर करना है, अदरवाइज चीजें पता नहीं लगेगी, स्पेशली जब हम नेमिंग करेंगे। 10th और द लास्ट टर्म इज होमो
लेप्टिक एंड हेट्रो लेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। राइट डाउन, सबसे पहले हम बात करेंगे होमोलेप्टिक कंपाउंड्स की। दोज कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ लाइगेंड्स आर नोन एज अ होमोलेप्टिक। होमो मीन्स सेम और वन टाइप। फॉर एग्जाम्पल K3FeCl6 एक ही तरह के लाइगेंड है अटैच आयरन के साथ, सारे के सारे लाइगेंड सेम है तो इसको हम बोलते हैं होमोलेप्टिक। और अगर हम बात करूँ हेट्रोलेप्टिक की तो इसका मतलब सेंटर एटम के साथ मोर देन वन टाइप ऑफ लाइगेंड्स आर देयर। राइट डाउन दोज कॉम्प्लेक्सेस विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ लाइगेंड्स आर कॉल्ड एज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जाम्पल KFeH2O2CL2Br2। ये है आपके पास एग्जाम्पल, आप देख सकते हो यहाँ पे ये है सेंटर मेटल लाइगेंड एटम, इसके साथ तीन तरह के अलग अलग तरह के लाइगेंड अटैच हैं जिसके कारण हम इसको किस कैटेगरी में लेंगे, होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। और अगर सारे के सारे लाइगेंड सेम होंगे, सिंगल लाइगेंड होंगे आयरन के सराउंडिंग में तो वो होगा होमोलेप्टिक, और अगर एक ही सेंट्रल एटम है और उसके सराउंडिंग में डिफरेंट डिफरेंट लाइगेंड्स हैं तो वो होगा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एंड बाय दिस आई फिनिश माय दिस लेक्चर हियर। आई होप आपको सारे टर्म्स अच्छे से आती हैं। अगर किसी भी टर्म में कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल कवर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग। और एक बार जो मैंने आपको ज्योमेट्री का बताया, ऊपर लिंक आ रहा होगा वेस्पर थ्योरी का, वो जरूर कर लेना। उसमें दो टेबल्स हैं, एक इररेगुलर के लिए इररेगुलर ज्योमेट्री और एक रेगुलर ज्योमेट्री के लिए। हार्डली उसमें 5-5 टाइप्स हैं आपने याद करनी है। एक टेबल करोगे दूसरा अपने आप हो जाएगा, उससे आपको ज्योमेट्री करने में आसानी रहेगी। इस चैप्टर में ज्योमेट्री आपको करनी ही पड़ेगी। राइट, तो आई होप आपको सब अच्छे समझ में आ गए। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टू रिवाइज दिस लेक्चर एंड बाय बाय।